Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। यह कार्यक्रम काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है जिसका किसी घटना या फिर किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। भूत प्रेतों और असामान्य वेशों के होने पर हमारा चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही कोई प्रोत्साहन करता है, मगर एक दावा करता है और वो है डर, जो कि सबको लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है, पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जेहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था।
लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांधकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति भूला भटककर इस बारी के आसपास भी पहुंच गया तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और नानुकुर करने पर जमकर धुनाई भी कर देते थे और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वह कबूल करता था कि वह भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर अपने रोंगटे खड़े कर लेता हूँ। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवारी का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दी थी, लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवार ही रात को एक दो लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने धुक्का छिपकर सही और गलत का पता लगने की सोची। रात को खापी कर एक लऊर लाठी और बैटरी टार्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुंचे। उनको कोन्हवा कोने वाला पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आव देखा नताव और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगे दौड़ने। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़कर ही रहूंगा, भाग, देखता हूं कि कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठकुआ मार गया, काट हो गए और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए और वे एकदम अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी और उनके पैर ना आगे जा रहे थे ना पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले दिन रात 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।